वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उस टैलेंट से। मैंने कुछ दिनों पहले एक रिसर्च शेयर की थी और मैंने आपको एक मिनिएचर आर्टिस्ट के हवाले से बताया था कि पेंसिल के लिड के ऊपर उन्होंने कुछ आर्टवर्क किया है और वो आर्टिस्ट जो है आज हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल बसी ने। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जनाब, उसके साथ थोड़ी थोड़ी फैशन की बात भी करेंगे और फैशन के डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी अरूज और उनके साथ खुशा मखसूस होंगे, दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरूज, आपसे जानना चाहेंगे फैशन डिजाइनिंग के हवाले से, कहाँ से पढ़ा और कब से आगाज किया? मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ और मैं कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स में पढ़ रही हूँ। ठीक है, फिफ्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये मेरे फादर का भी बिजनेस रहा है तो मेरा शौक भी इसमें था, तो ये मैंने खुद भी काफ़ी सीखा है और मुझे कॉलेज से भी सीखने को काफ़ी मिला। अच्छा, जबरदस्त। तो किस तरह की ड्रेसिंग आप क्या फोटे क्या है, किस पे फोकस रखती हैं? फॉर्मल, सेमी फॉर्मल? फॉर्मल ड्रेसेस, ब्राइडल वेयर ज़्यादा, ब्राइडल और पार्टी वेयर ड्रेसेस। जबरदस्त। तो कहाँ पे है आपका अपने? लिबर्टी में है, लिबर्टी मक्का टावर। ठीक है, और 14G शॉप है। अच्छा, और प्रिटी ब्राइडल कुट्योर नाम है। प्रिटी ब्राइडल कुट्योर नाम है आपके आउटलेट का? ठीक है, तो ये खुशाम भी आपके साथ होते हैं? जी, ये आउटलेट पे होते हैं। अच्छा, तो कैसा रिस्पांस आया अभी तक? अच्छा रिस्पॉन्स है। वैसे तो पहले ना बेसिकली हमारा यूनिट था अपना जहाँ पे ये काम बनता था, मेरे अबू का वैसे वो काम रहा है, फिर बाद में हमने इसे प्रमोट किया ताकि हम अपना एक सेल पॉइंट बना सकें, तो फिर हमने ऐसे अपनी आउटलेट की। तो अभी फर्स्ट सीजन है, अब पता लग रहा है कि क्या इन है क्या इन नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता बना रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक हो गया। अच्छा अब्दुल बसीर, आपकी जानिब आऊंगी। अभी तो आपके कुछ चीज़ें भी हैं आज की वो मेरे पास हैं, लेकिन पहले मैं जानना चाहूँगी, ये मिनिएचर आर्टिस्ट हैं आप बेसिकली, तो कब से आगाज किया और क्या सोचा इतनी बारीक बीनी का काम करने का? 2 साल कब मैंने अपने काम का आगाज किया है? हाँ। ये खुदादा सलाहियत थी, मुझे खुद नहीं था पता कि ये आर्ट भी है। अच्छा। पेंसिल पे काम करना। हुँ। लेकिन फिर मैंने जैसे जैसे स्टार्ट किया तो अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी अता की है कि 2 साल मुख्तलिफ मॉडल्स बनाने के बाद अब मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब आया और पेंसिल के सिक्के में 50 चेन लिंक्स बना के, बिल्कुल चेन लिंक्स बनाया, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। अच्छा अब तो बस ये, क्योंकि ये बहुत बारीकी का काम है और इसके लिए कोई ट्रेनिंग लिया आपने या आपने खुद से ही सीखा? नहीं, ये खुदादा सलाहियत है, मेरे ख्याल से अल्लाह पाक ने मुझ में ये सलाहियत पैदा की है। अच्छा, इंसान की शख्सियत उसके नाम पे पूरा उतरती है। मेरे नाम का मतलब है अब बसारत वाला। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि मेरे वो वाला नाम पे हुनर है। अच्छा, क्या क्या बना चुके हैं अभी? कुछ तो चीजें मेरे सामने भी हैं जनाब, ये मैं जरूर दिखाना चाहूंगी। ये आपने दरूद इब्राहिमी लिखा है चावल के दाने के ऊपर, आज ये दरूद इब्राहिमी है। लवली लवली। तो कितना टाइम लगता है अब्दुल बसीर? टाइम डिफरेंट, ये मसलन पेंसिल वर्क करने में ऐसा है कि जब मैं कर रहा होता हूँ बस जरा सा इधर से उधर हो जाए वो टूट जाता है। हाँ, तो फिर एक नए सिरे से आगाज करना। ये तो आपने चेन बनाई थी, ये टूटी कभी नहीं? ये फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गई है, बहुत अल्लाह का करम हुआ है। वाह, फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गई। और कितनी चेन्स इसमें आपने अटैच की? 50 रिंग्स हैं इसकी। 50 रिंग्स हैं जनाब, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 50 रिंग्स वाली ये जो चेन है पेंसिल के लिड के ऊपर ये बनाई है अब्दुल बसी ने। और जनाब ये वाला भी आप देख सकते हैं, इस पे आयतल कुर्सी लिखी गई है चावल के दाने के ऊपर ही। लवली लवली। स्टार्ट में मैंने ये चावल के दाने से शुरू किया था, लेकिन ये पहले भी कोई काफी लोग करते थे इसलिए मैंने इसको स्टॉप कर दिया था, लेकिन अब दोबारा इस पे काम भी शुरू किया साथ साथ। अच्छा, चावल के दाने के ऊपर दोबारा काम शुरू किया। ये इसके लिए कोई स्पेशल टूल्स होंगे? डेफिनेटली नहीं, मैं स्पेशल चीज कोई भी यूज नहीं करता, बस आम चावल लिए। और नहीं 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 नहीं, जो इससे आप करते हो, आज करते हो, उसके टूल्स तो डिफरेंट होंगे ना? नहीं, आम रेगुलर ब्लेड है और इसके लिए आम रेगुलर पॉइंटर। मतलब आप आम ब्लेड से और आम पॉइंटर से करते हैं? जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा अरूज, आपकी जानने आएंगे, आपसे जानेंगे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल ब्राइडल वेयर में और फॉर्मल वेयर में? ट्रेंड्स आजकल पेपलम्स चल रहे हैं, पेपलम्स साथ लेंगे और गरारा वगैरह, और कलर जो है ब्राइडल वलीमा में कलर बहुत लाइट से चल रहे हैं। और आजकल बहुत कुछ चल रहा है, आपकी अपनी मर्जी, आप क्या पहनना चाहते हैं, आप खुद भी गाइड कर सकते हैं कि मैं ये पहनना चाहती हूँ, तो फिर उसके मुताबिक हम उसको स्टाइल देते हैं। ठीक है, तो कस्टमाइज कपड़े भी आप डिजाइन करते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आपकी कितनी, आप कितना सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं?
हमारा अपना फेसबुक पेज है और माशाल्लाह वो अच्छा जा रहा है, काफ़ी उससे रिस्पॉन्स आया हमें और हमारा काम काफ़ी लोगों को पसंद आता है। पसंद आते तो किस तरह का काम है अरूज, ये भी हमें थोड़ा सा बताएं। ये बेसिकली जरदोजी वर्क है, ठीक है, और ये पुराने वक्तों में गोल्ड की तारों के साथ होता था, कोरा दबका वर्क कहते हैं इसको, ठीक है, और इसमें आजकल बहुत सारी एडवांसमेंट आ चुकी हैं। अब ये 3D वर्क बहुत चल रहा है, इसमें 3D फ्लावर्स जो हैं वो इसमें लगते हैं और काफ़ी कुछ अब इसमें यूज़ होता है, इसमें तिल्ले की तारें यूज़ होती हैं और ये सारा इसको नीडल से अड्डे के साथ अड्डे पे नीडल के साथ किया जाता है। तो अड्डा वर्क बेसिकली पसंद किया जा रहा है अब उसी तरह, क्योंकि ज्यादातर काम लिफाफत तो हाथ के काम में होती है, तो लोगों की क्या डिमांड है आजकल के किस तरह का काम वो ज्यादा पसंद कर रहे हैं? लोगों की डिमांड ये है कि वो अब हैवी भी चाहते हैं और क्वालिटी भी अच्छी चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि उनका स्टाइल भी अच्छा हो, तो उसी तरह के हमारे ड्रेसेस में। तो ये स्टिच्ड होते हैं या सिर्फ काम आप करके देती हो? नहीं, स्टिच भी होते हैं। स्टिच्ड भी होते हैं, ठीक होगा। अब तो बस ये अब क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर इस तरह की क्रिएटिविटी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उसमें अपने आप को करना, और जो मुझे लगता है पेंसिल का लेड, दैट्स अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट थिंग, तो वहाँ पर उसको करना और सारा कुछ, तो कितना टाइम लगता है? जो आपने चेन बनाई उसमें कितना टाइम लगा? चेन बनाने में मुझे 60 घंटे लगे हैं। 60 घंटे? जी। अच्छा, ये रेगुलर नहीं किया, 15 दिन काम किया। हाँ, 15, वही ना। हाँ। और रोज 4 घंटे तकरीबन काम किया, तो टोटल 60 घंटे में बना। 60 घंटे में बना जी, ठीक हो गया। तो बाकी जो बाकी पीस बनाता हूँ उन पे डिफरेंट टाइम लगता है, तकरीबन 1 दिन लग जाता है। ठीक है, और अब जारी है काम। अच्छा, जबरदस्त। तो घर वालों में, घर में सब सपोर्ट करते हैं इस काम में? वो जी करते हैं, पहले तो उनको भी नहीं था पता। हाँ, हाँ, कि हाँ, मैं हाँ। करता क्या हूँ, लेकिन अब जो जो इस काम की अवेयरनेस, पाकिस्तान में भी ये काम नहीं है, तो अवेयरनेस जो जो इसकी बढ़ती जा रही है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। समटाइम्स जो आपको एक पॉलिश, अपना जो स्किल होता है उसको पॉलिश करने के लिए ट्रेनिंग या कुछ भी चाहिए। दुनिया भर में मिनिएचर जो आर्ट है वो बहुत ज्यादा परवान भी चढ़ी है, तो आप किसी को फॉलो करते हैं या किसी को देखते हैं सोशल मीडिया पर? नहीं, आपने ठीक कहा कि मिनिएचर आर्ट बहुत तरक्की कर रहा है। मिनिएचर आर्ट दरअसल मुगलिया दौर से है, लेकिन वो मिनिएचर पेंटिंग में है। मिनिएचर स्कल्पचर में जो है वो कुछ ही अरसा हुआ है इसको शुरू हुआ है, और मेरे अलावा रशिया में एक आर्टिस्ट हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में फिलहाल मैं अभी अकेले ही। तो अच्छा, अगर कोई आपसे, आपका मूड है किसी को सिखाने का, अगर कोई आपसे सीखना चाहे, क्योंकि हमारे पेज पे अभी तब से लोग अगर कुछ कहना शुरू करें मैसेज, तो हम आपके पास सीखने के लिए उनको भेज सकते हैं? भेज सकते हैं, भेज सकते जो सीखना चाहे मैं। तो घर पे किसी और को भी ऐसा शौक है? नहीं, ये मेरी बहन ने सीखना शुरू किया था, लेकिन उसको आया नहीं। आया नहीं, वैसे मुश्किल काम है सीखना, ऐसे कोई नहीं। अच्छा अरूज, क्योंकि फैशन में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया है, अब लोग नए से नए डिजाइनर्स हैं हर तरह से, आप भी अभी चूंकि नए आए हो इस फील्ड में, क्या लगता है कंपटीशन में स्टैंड आउट करने के लिए किस तरह से काम करना पड़ेगा? कंपटीशन में स्टैंड आउट करने के लिए आपको वैरायटीज चाहिए। पुराना काम कोई नहीं मांगता, हर किसी को यही है कि वैरायटी हो और नया स्टाइल हो, तो और इसलिए हम कस्टमाइज काम भी करते हैं, ताकि जो कस्टमर की अपनी चॉइस है, अपना स्टाइल है, वो उस मुताबिक भी बनवा सके। ठीक है, तो ज्यादातर क्लाइंट्स किस तरह के कलर्स या किस तरह के कच की डिमांड करते हैं? जो सेकंड डे है वेडिंग का, उसमें तो सब लाइट कलर्स, ग्रे आ गया और लाइट कलर्स ही आते हैं। हाँ। लेकिन बारात पे ज्यादातर लोग रेड ही मांगते हैं। बिल्कुल रेड। तो ये अभी आपका जो ग्रे ड्रेसेस के हवाले से भी कुछ बताएं, किस तरह का काम है और ये किस फंक्शन के लिए आपने बनाया? ये ग्रे ड्रेस है, इसको हमने इस तरह डिजाइन किया गया है कि ज्यादा महंगा भी नहीं है, हर कोई परचेज कर सकता है, और गुड क्वालिटी वर्क है, कम पैसों में अच्छा वर्क है। और ये लाइट, इसकी जो लहंगा है वो लाइट इसलिए रखा गया क्योंकि कुछ लोग ज्यादा हैवी कैरी करना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर कोई चाहे कि मैं हैवी पहनना चाहता हूँ, तो इस पे और काम करके इसको हैवी भी किया जा सकता है, और इसमें जो ब्लू कलर दिया गया इसको आई कैचिंग बनाता है, और ये बहुत प्यारा लगता है। नो डाउट इट इज। अच्छा, ये आप एंगेजमेंट या उस तरह के फंक्शन भी कैरी कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करवा के आप निकाब भी पहन सकते हैं। ठीक है। अच्छा अरू, समटाइम्स आप ये जो काम होता है सलवर का, ये काला भी हो जाता है, ऐसा कुछ अब वो होगी ये चेंज के काला ना हो काम? जी, इसमें क्वालिटी की बात है, और अगर आपने क्वालिटी अच्छी लगवाई है तो काम बिल्कुल ऐसा जल्दी खराब नहीं होता, काफी देर तक ये सही रहता है।
ठीक हो गया। अच्छा, और ये जो जो कह लें पिंक सॉरी गोल्डन में डल गोल्ड में पड़ा हुआ, इसके हवाले से भी बताएं जो बैक साइड पे है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थ्रेड इस्तेमाल किए गए, सिल्क थ्रेड्स, और इसमें सीक्वेंस हैं, फ्लोरल वर्क है इसमें भी, कोरा दबका वर्क है, और काफी लाइट सा पार्टी वेयर, बहुत प्यारा ड्रेस है। डीसी और इसके साथ आप पैंट्स कैरी करेंगे या शरारा या कुछ इस तरह की? ये आपकी अपनी मर्जी, आप स्टाइल कैसा कैरी करना चाह रहे हो, गरारा पहनना चाह रहे हो, और आपकी एज क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसके मुताबिक आप कुछ भी बनवा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब्दुल बसीत, हमारे शो के लिए आपको आर्टिस्ट को कोई मैसेज देना चाहो तो आप कैमरा आपका है, आप मैसेज दे सकते हैं। मैं अपनी यंग जनरेशन को मैसेज देना चाहता हूँ कि खुद पे बस यकीन रखें, मायूसी का कभी शिकार ना हो, उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखें और किसी से नहीं। जबरदस्त। सर, अपनी आर्ट के हवाले से क्या कहोगे, अपने जो मिनिएचर आर्ट का एक स्किल है आपके पास, उसके हवाले से कोई मैसेज? बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत नवाजी, सिर्फ वही नवाजने वाला और कोई भी नहीं। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे साथ दिया जनाब, और आज हमने आपकी मुलाकात जबरदस्त टैलेंट से भी करवाई है। जनाब, एक बर्थडे है हमारे पास आज। जी, किन की बर्थडे है, जरा मुझे दोबारा से नाम रिपीट कर दे। समी रिजवान की बर्थडे है, आई विश देम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जागो लाहौर की पूरी टीम की तरफ से, लाहौर न्यूज की तरफ से, समी रिजवान को अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. जबरदस्त जनाब, हमने बर्थडे विश की है, और अगर आप भी अपने किसी प्यारे को बर्थडे विश करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर रब्ता करें। जागो लाहौर के नाम से पेज है, हमारी सोशल मीडिया टीम वहाँ पे एक्टिव है, आपकी विश हम बर्थडे विश जो है यहाँ अपने टीवी चैनल पे करेंगे। और आज का शो आपको कैसा लगा, इस हवाले से हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज है, वहाँ पर जाएं, और इन केस अगर आज का शो आपने मिस किया है तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।